Hello, good morning students. How are you? I hope you all are doing good at your place. I'm Monica from Adarsh Near Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we discussed about our first lesson, the storyteller. तो अभी इसकी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं. तो पहले उन्हें आंटी एक स्टोरी सुना रही थी तीन बच्चों को, वो उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है. तो उसके बाद में बैचलर स्टोरी सुनाता है. तो बैचलर स्टोरी में क्या बताया बैचलर ने एक अच्छी लड़की के बारे में स्टोरी सुनाई कि वो, उसका नाम था बर्था, वो बहुत अच्छी थी और उसको इसके लिए बहुत मेडल्स मिले थे. तो जो उसको मेडल्स मिले थे वो किसके लिए थे? फर्स्ट तो था ओबीडियंस के लिए, सेकंड पंचुअलिटी के लिए और थर्ड गुड बिहेवियर के लिए. तीन उसको मेडल मिले थे और वो उन मेडल को पहनती थी. जब चलती थी तो वो आपस में टन टन की आवाज़ करते थे. तो इस बारे में, उस लड़की के बारे में उस जो कंट्री के प्रिंसेस ने सुना, तो प्रिंसेस ने उन्हें अलाउड कर दिया एक पार्क में जाने के लिए जहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं थे. तो ये बात बहुत कुछ मायने रखती थी बर्था के लिए. तो पार्क में फ्लावर नहीं होते तो ये सब देख कर बर्था को खुशी नहीं होती. और क्या, और पार्क में भेड़े और जो क्लॉक की भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि जो प्रिंस की मदर को सपना आया था कि उसका बेटा भेड़ों से और घड़ी के लगने से मरेगा, तो इसके लिए अलाउड नहीं था पार्क में भेड़े और क्लॉक. तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. लेट्स वी स्टार्ट. वाज द प्रिंस किल्ड बाय अ शिप और बाय अ क्लॉक? शरिल क्या पूछता है कि प्रिंस भेड़ों या फिर घड़ी के गिरने से मारा जाता है? ही इज स्टिल अलाइव, सो वी कैन नॉट टेल वेदर द ड्रीम विल कम ट्रू, सेड द बैचलर अनकंसर्नेडली. एनीवे, देयर वर नो शिप इन द पार्क बट देयर वर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग्स रनिंग ऑल ओवर द प्लेस. तो इसमें बैचलर क्या बोलता है कि जो प्रिंस है वो भी जिंदा है, इसलिए हम नहीं कह सकते उसकी उसकी माता का सपना सच हो. एनीवे मीन्स चलो छोड़ो, अनसर्टेनली मीन्स कैन यू नो इट मीन्स उदासीनता से. तो जो बैचलर है उदासीनता से कहता है कि जो मदर को जो सपना आया था ना, वो हो सकता है वो सही हो या फिर ना हो, भी जरूरी थोड़ी ना वो सपना सही हो. एनीवे चलो छोड़ो. देयर वर नो शिप इन द पार्क बट देयर वर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग्स रनिंग ऑल ओवर द प्लेस. कि वहाँ पे कोई भेड़न तो नहीं थी, बट क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे पिग्स मीन्स सुअर रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, बहुत सारे शुअर वहाँ पे घूम रहे थे. वट कलर वर देयर? तो इसमें क्वेश्चन करता है जो शैरिल कि वो कौन से कलर का था, जो पिग्स थे वो कौन से कलर के थे? ब्लैक विद वाइट फेसेस, वाइट विद ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक ऑल ओवर, ग्रे विद वाइट फेसेस एंड समवेयर वाइट ऑल ओवर. तो इसमें बैचलर क्या बताता है कि कुछ तो सारे ब्लैक्स थे, कुछ ब्लैक के ऊपर वाइट फेसेस थे और कुछ पूरे के पूरे वाइट थे, और कुछ पूरे के पूरे ब्लैक थे और कुछ ग्रे कलर के थे. तो इस प्रकार बैचलर ने सुअर के जो कलर्स होते हैं उनके बारे में बताता है. फिर बर्था वाज सॉरी टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स इन द पार्क. तो बर्था को अच्छा नहीं लगता जब फ्लावर्स पार्क में फ्लावर नहीं होते. व्हाई वर नॉट देयर एनी फ्लावर्स? तो बर्था क्वेश्चन करती है कि वहाँ पे फ्लावर क्यों नहीं है. बिकॉज द पिग हैड ईटन देम ऑल, सेड द बैचलर प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत.
तो जो बैचलर है वो उन्हें तुरंत जल्दी से कहता है कि वो पिग्स होते हैं वो उन फ्लावर को खा जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी फ्लावर्स नहीं है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन था व्हाई वर देर एनी फ्लावर्स, वो उन बच्चों का था। ठीक है, नेक्स्ट, द गार्डनर्स हैड टोल्ड द प्रिंस दैट ही कुड नॉट हैव पिग्स एनी फ्लावर्स, सो ही डिसाइड टू हैव पिग्स एंड नो फ्लावर्स बिकॉज द पिग्स हैड इटन दैम। ये तो ये बैचलर बोलता है उनको। और आगे जो गार्डनर क्या बोलता है, द गार्डनर हैड टोल्ड द प्रिंस दैट, कि जो पार्क में है या तो पिग रख सकते हैं या फिर फ्लावर रखते हैं, एक ही चीज़ रखते हैं बस दोनों में से। तो जो प्रिंस ने क्या डिसीजन लिया है वहाँ पे रखने का, तो प्रिंस कहता है कि यहाँ पे क्या रखने हैं, ओनली पिग्स रखने हैं, फ्लावर नहीं रखते हैं। देर वॉज मर्मर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सलेंस ऑफ द प्रिंस डिसीजन, सो मैनी पीपल वुड हैव डिसाइड टू अदर वे। तो वहाँ पे कुछ लोग तो वो सही ठहराते हैं जो प्रिंस का जो डिसीजन होता है उसको, पर कुछ का निर्णय जो क्या होता है अलग होता है उनसे। देर वॉज ए मर्मर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सलेंस ऑफ द प्रिंस डिसीजन, सो मैनी पीपल वुड हैव डिसाइड द अदर वे। तो कुछ लोग तो उस निर्णय को मान लेते हैं और कुछ दूसरा निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट, देर आर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन द पार्क। तो वहाँ पे और भी दिलचस्प चीज़ें थी पार्क में। देर आर पॉन्ड्स विद गोल्ड ब्लू एंड ग्रीन फिश इन दैम। वहाँ पे क्या क्या था इसके बारे में बैचलर ने बताया। डिलाइटमेंट दिलचस्प। देर वर पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब, विद गोल्ड सोने के, वहाँ पे सोने के तालाब थे, ब्लू एंड ग्रीन फिश, और जो फिश किस कौन से कलर की थी, ब्लू एंड ग्रीन, ट्रीज विद ब्यूटीफुल पैरट्स दैट सेड क्लेवर थिंग्स एट ए मोमेंट्स नोटिस, एंड हमिंग बर्ड्स दैट हम्ड ऑल द पॉपुलर ट्यून ऑफ द डे। तो वहाँ पे जो ब्लू एंड ग्रीन कलर की फिशेस थी, ब्यूटीफुल पैरट्स थे ट्रीज के ऊपर, और ये जो इसका ये मोमेंट्स था वो तो वहाँ पे अच्छा लग रहा था, और हमिंग बर्ड्स दैट हम्ड ऑल द पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे, हमिंग बिन बनाहट, व्हाट इज द मीन ऑफ हमिंग बिन बनाहट। तो जो पक्षियों की बर्ड्स पक्षी, तो पक्षियों की जो बिन बनाहट की आवाज़ थी वो वहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही थी, और वो पूरा दिन उस ट्यून को करते रहते थे। बर्था वॉकड अप एंड डाउन एंड एंजॉयड हर सेल्फ एमेंसेंटली एंड थॉट द हर सेल्फ। तो बर्था ऊपर और नीचे उस पार्क में घूमती है और अपने आप में बहुत ही इंजॉय करती है उस पार्क में। इफ आई वर नॉट टू एक्सट्रॉर्डनरली गुड, आई शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू कम इन टू द दिस ब्यूटिफुल पार्क एंड इंजॉय ऑल दैट देयर इज टू बी सीन इन इट। तो अलाउड, जो बर्था थी वहाँ पे इंजॉय कर रही थी पार्क में, तो वो सोचती है कि अगर वह बहुत अच्छी नहीं होती तो इस पार्क में आने की उसे कभी अनुमति नहीं मिलती, और वह इतने अच्छे अच्छे दृश्य वो नहीं देख पाती। हर थ्री मेडल्स क्लिंक्ड अगेंस्ट वन अनदर एज द वॉक्ड एंड हेल्प टू रिमाइंड हर हाउ वेरी गुड शी रियली वाज। तो उसके जो तीन मेडल्स थे वो उसने पहन रखी थी, तो वो जब चलती थी तो वो आपस में टकरा के टाने की आवाज़ करते थे, जो उसे एहसास दिलाते थे कि वह कितनी अच्छी है। जस्ट देन एन इनॉर्मस वॉल्फ कम प्रॉलिंग इन टू द पार्क टू सी इफ इट कुड कॉज ए फैट लिटिल बिग फॉर इट्स सुपर। जस्ट देन एन इनॉर्मस, तो उसी समय क्या होता है, इनॉर्मस मीन्स विशाल, वॉल्फ भेड़िया, कम वॉर्पलिंग इन टू द पार्क। तो उसी समय क्या आता है, जो बर्था ये सब सोच रही है कि पार्क में इंजॉयमेंट कर रही है, उसी समय एक भेड़िया वहाँ पे आता है टू सी इट इफ कुड कैच अ फैट लिटिल बिग फॉर इट सुपर। सुपर मीन्स रात का भोजन, तो अपने जो रात के भोजन के लिए वह भेड़िया देख रहा है पार्क में। वट कलर वॉज इट आस्क द चिल्ड्रन।
तो बच्चे क्या क्वेश्चन करते हैं कि उसका कलर क्या है। एमिनेम इमीडिएट कुकिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन बच्चों ने बीच में ही पूछ लिया क्योंकि वो कॉन में इंटरेस्ट लेने लगे हैं अब, तो उन्होंने ये बीच में ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया, व्हाट कलर्स वाज इट। तो आगे बैचलर क्या कहते हैं, मड कलर ऑल ओवर विद ए ब्लैक टंग एंड पैल ग्रे आईज द क्लेम्ड विद अनस्पीकेबल फर्सटी। तो बैचलर क्या बोलता है, मड कलर उसका कौन सा कलर था, मड, ऑल ओवर उसका पूरा का पूरा कलर था क्या, मड विद ब्लैक टंग, उसकी जीभ थी वह क्या थी, काली थी, एंड पर्ल ग्रे आईज, वो पिली ग्रे कलर की उसकी आंखें, दैट ग्लेम्ड, ग्लेम्ड व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लेम्ड, ग्लेम्ड मीन्स चमक, विद अनस्पीकेबल फॉरेस्टी, अनस्पीकेबल होता है एक्थनियन फॉरेस्टी, जो उसकी आवाज़ थी वो भयानक थी, लाइक खूंखारपन, तो वो खूंखारपन ऐसे खूंखारता हुआ, और उसकी नीली जो उसकी पीली और ग्रे कलर की आंखें थी और बहुत चमक थी, और वो मड कलर का था। ये सब उनके बारे में बैचलर बताता है कि वॉल्फ इस तरह का था। दी फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वाज बर्था, तो उसने सबसे पहले बर्था को पार्क में देखा, नहीं बर्था ने सबसे पहले उसको पार्क में देखा, बर्था सॉ द वॉल्फ एंड सॉ दैट इट वाज स्टीलिंग टुवर्ड हर, बर्था ने देखा कि वह उसकी तरफ आ रहा है, एंड शी बिगन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इन टू द पार्क, और वह सोचती है, इच्छा रखती है कि उसे उस पार्क के लिए परमिशन नहीं है। सी रन एज हर्ड एज सी कुड एंड द वॉल्फ कम आफ्टर हर विद ह्यूज लीव्स एंड बाउंस, तो वह जितना उससे हो सके उतना दौड़ती है। शी रन एज हार्ड एज सी कुड, जितना वो दौड़ सकती थी उतना उसने दौड़ लगाई, एंड द वॉल्फ कम, उसके पीछे कौन आ रहा था, वॉल्फ, उसके पीछे वो आ रहा था वॉल्फ विद ह्यूज लीव्स, बड़े बड़े होठों से, और एंड बाउंस, बाउंस मतलब चलते हुए उसके पीछे पीछे वो वॉल्फ आ रहा था। सी मैनेज टू रीच द मेटल बसेस, तो जो प्रथा थी उसने क्या किया, वो वहाँ तक पहुँची, मेटल मतलब मेहंदी बसेस, झाड़ियाँ, मेहंदी की झाड़ियाँ तक पहुँची। सी हर्ड, सी हाइड हर सेल्फ इन वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ द बसेस, उसने अपने आप को कहाँ छिपा लिया, थिकेस्ट मतलब मोटी बसेस झाड़ियाँ, तो मोटी झाड़ियों के पीछे अपने आप को छुपा लिया। द वॉल्फ कम स्निफिंग अमंग द ब्रांचेज, द वॉल्फ ने क्या किया, आमते हुए वहाँ झाड़ियों के ये पास पहुँचा। इट्स ब्लैक टंग वाज क्लॉलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ, इट्स पाल ग्रे आईज वर ग्लारिंग विद रेज, आगे क्या हुआ, द वॉल्फ कैन स्निफिंग अमंग द ब्रांचेज, भेड़िया वहां तक पहुंचा, इट्स ब्लैक टंग वाज लॉलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ, इट्स पल ग्रे आईज वर लॉलिंग विद रेज, व्हाट इज द मीन ऑफ लॉलिंग, इट मीन्स लटकना, कि वह उसकी जो जीभ है वो मुँह से बाहर लटक रही थी। इट्स पाल ग्रे, और उसकी जो पाल ग्रे पीले ग्रे कलर की आंखें हैं, वर गार्डिंग विद रेज, तो गुस्से से भरी थी वो आंखें, में वो जब वो दौड़ा था तो उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। बर्थ वाज टम्पलिंग वेरी मच एट हैविंग द वॉल्फ प्रॉब्लिंग ऑब्डियंस क्लेंग्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी, बर्था क्या बहुत डर गई थी जो वो भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा था, तो ऑडियंस क्लेम्स अगेंस्ट द मेडल फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी, तो ऑडियंस आज्ञाकारी क्लेम्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी, जो उसके तीनों मेडल थे वो आपस में क्लेम्ड कर रहे थे, मतलब उनकी तीनों की जो मेडल वो चल रही थी तो उन तीनों की आवाज़ आ रही थी। The prince who had come to meet Bertha heard the sound of the medals clinking and stopped to listen.
दे क्लिंक्ड इन ए बस क्वाइट नियर हिम। तो जो वहाँ पे जब उसकी तीनों मेडल बज रहे थे तो प्रिंस ने उसकी आवाज़ सुनी, हु हैड कम टू मीट बर्था हियर द, तो वो क्या बर्था के पास गया, हियर द साउंड ऑफ मेडल्स क्लिंकिंग एंड स्टॉप टू लिसन। तो वहाँ पे उसने जाके ये तीनों मेडल्स की आवाज़ सुनी, दे क्लिंक्ड इन ए बस क्वाइट नियर हिम, वह उसी के पास बज रहे थे एक झाड़ी के पीछे। इंटरप्रेटेड द आंट, ये सब किसने बोला, आंट ने बोला। तो आगे नेक्स्ट, द प्रिंस विद हिज बोज एंड एरो किल्ड द वॉल्फ इन वन शूट एंड बर्था वाज सेव्ड। तो प्रिंस ने क्या क्या, बोज क्या होता है जो तीर होता है ना, वो होता है किरपाण बोलते हैं उसको, एरो, एरो उसके अंदर जो डालते हैं वो होता है धनुष, और एरो होता है बाण। ठीक है, तो वो अपनी जो वो बाण है उसमें डाल के और वोल्फ को शूट करता है, मतलब मारता है, तो इससे बर्था बच जाती है। देर थ्री मेडल्स ऑफ गुडनेस सेव्ड हर लाइफ, तो उसकी जो तीन मेडल्स हैं वो उसकी लाइफ बचा देते हैं। सेड द आंट हर्डली, ये सब कौन कहता है, आंट, कि उसके तीनों मेडल वो इतनी अच्छी है, उसके जो तीनों मेडल मिले जो टन टन की आवाज़ करते हैं उन्हीं तीनों मेडल्स के कारण वो आज बच जाती है। वर एनी ऑफ द पिग्स किल्ड, क्या कोई जो पिग्स है वो मारे जाते हैं, नो दे ऑल एस्केप्ड, वो सभी बच जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हियर्ड सेड द बैचलर, बैचलर क्या बोलता है, यह बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैंने सुनी है। आई वॉन्ट टू गिव द स्टोरी एन इम्प्रॉपर एंड, तो जो एंड इसका किसने किया है, आंट ने किया है। आंट ने बताया ना कि प्रिंस ने आके उसको बर्था को किस प्रकार बचाया है, ये सब किसने बताया, आंट ने। तो इस स्टोरी का एंड किसने किया है, आंट ने। तो यहाँ पे बैचलर क्या बोलता है कि वह तो एक इम्प्रॉपर एंड करना चाहता था इस स्टोरी का, क्योंकि उसके पास प्रॉपर कोई प्रॉपर एंड नहीं था, इसलिए उसने तो इम्प्रॉपर एंड कर दिया। थैंक यू फॉर मेकिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी सेट द बैचलर कलेक्टिंग हिज बिलोंगिंग। तो वह इस प्रकार आंटी का धन्यवाद करता है कि उसने किस प्रकार से इतनी स्टोरी का एंड कितना अच्छा बना दिया है, और अपने जो सामान है उनको इकट्ठा कर लेता है वहाँ से। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, इसमें किस प्रकार से जो प्रेस है उसने बर्था को बचाया, और किस प्रकार बैचलर और आंटी ने बच्चों को स्टोरी सुनाई। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।